एक बार दीदी को सुनो जरा क्या कह रही है। मर्दों को शादी करने से पहले ही ये सोच लेना चाहिए कि अपनी पत्नी को आप खाना खिला पाएंगे या नहीं, अपनी कमाई से उसे अच्छे कपड़ा पहना पाएंगे या नहीं, अपनी कमाई से क्या अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दे पाएंगे या नहीं। यदि इतनी व्यवस्था है आपकी, आपके अंदर कुछ करने की ताकत है, तो ही किसी लड़की से शादी करना, वरना दूसरों के भरोसे में पत्नियां ना लाया करो, वरना उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बात कड़वी है मगर सच है। और औरतों को शादी करने से पहले ये सोच लेना चाहिए, जो है जितना है हम उतने में खुश रह लेंगे, पति 500 कमाए या 5000, बस घर में सुख शांति होनी चाहिए। दो वक्त का खाना अगर आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ प्यार से खाते हैं, तो वही सबसे बड़ी कमाई है। और हर कोई इंसान, हर मर्द, चाहे कम कमाए ज़्यादा कमाए, अपने परिवार का भरण पोषण हर कोई करता है। कोई ज़्यादा कमा के करता है तो कोई कम कमा के करता है। रही बात अच्छे कपड़ों की, हाँ ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हें हर हफ्ते शॉपिंग कराए, जितना है जो होगा उसकी, वो जितना कमाता है उस हिसाब से तुम्हें ला के तो दे ही देगा। अगर तुम इतना कर पाओगी, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर पाओगी, तो तुम भी तो ही शादी करना। और रही बात अच्छे स्कूल की, ज़रूरी नहीं है आपको वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाए, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सकता है, क्योंकि सारे बच्चे, हम भी सरकारी में पढ़े हैं, बाकी लोग भी, बहुत सारे लोग हैं जो खूब आगे चले गए वो भी सरकारी में पढ़े हैं। और कोई भी इंसान अपने बच्चों को भूखा नहीं रखता है, जैसे तैसे भरण पोषण हर कोई करता है, धूप छाया बारिश ना जाने कैसे कैसे हालातों से। हर आदमी अपने परिवार को पालता है।